जीवन की थी है। सार है। चलिए भाई नमस्ते, आ जाइए जी सभी लोग। क्या हाल चाल? नमस्ते जी, आ जाओ। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग के कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। चलिए भाई नमस्ते, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल, आ जाइए जी सभी लोग। जय श्री राम, राधे राधे। चैत्र नवरात्रि गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं जी सभी को। आ जाइए भाई, हाउ यू, कैसे हो आप लोग, सभी को शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की जय माता दी और गुड़ी पाड़वा की। चलो आ जाओ जी, आ जाइए जी सभी लोग। वेलकम एवरीवन। शुरू कर रहे हैं हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन कम लेक्चर। जिन्होंने जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए लेक्चर जैसा ही होगा जो एक बार देख चुके हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट इस टॉपिक से किया था नवंबर बैच के लिए। उनके पूरे टॉपिक्स हो गए हैं जैसे कि, सो ये होगा उनके लिए रिवीजन। एंड जनवरी वाले बच्चों के लिए ये इट्स काइंड ऑफ, जिन्होंने रिकॉर्डेड देख लिया गुड, जिन्होंने नहीं देखा काइंड ऑफ मेन लेक्चर। चलिए सो हियर वी गो एवरीवन, शुरू करते हैं। आ जाइए सभी लोग, सभी का स्वागत है। आ जाइए जी, वेलकम एवरीवन। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये न्यू सिलेबस में जेआईजीएल में है, ओल्ड सिलेबस में ईबीसीएल में था, तो दोनों ही बच्चे देख सकते हैं इसको, है ना। सो आ जाइए, सीएस एग्जीक्यूटिव के, कोई सीए फाउंडेशन का बच्चा देख भी सकता है क्या, कोई कह रहा है यस देख सकता है। सो यस सभी को गुड़ी पाड़वा की शुभेच्छा। आ जाओ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट एवरी वन। जितेंद्र जी सेल्फ स्टडी करो फिर, चलो शुरू करें गाइस। ओके हियर वी गो एवरीवन, आ जाइए जी सभी लोग, शुरू करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। आ जाइए जी, लेट्स गो एवरीवन, शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये देखा हुआ है वैसे तो, इसलिए आज अटेंडेंस वैसे कम रहने वाली है हमारी, बट एनीवे चलिए शुरू करते हैं। जे आई जी एल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आ जाइए जी सभी का स्वागत है। आ जाइए माय स्वीट किटी पाई। चलो शुरू करेंगे, मजा आएगा, बढ़िया टॉपिक है। नाम क्या है इसका? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स रिज्यूम। आ जाइए जी। अच्छा ये आपको ऑलरेडी पता है गाइस, क्या ये आपको ऑलरेडी पता है? क्या पता है? कि अगर इमोबल प्रॉपर्टी की डीलिंग हो रही है, इमोबल प्रॉपर्टी की डीलिंग हो रही है, तो उसके लिए लॉ कौन है, रेगुलेटर कौन है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। कौन है गाइस? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। और वहीं मूवेबल प्रॉपर्टी में जितनी डीलिंग्स होती हैं, तो रेगुलेटर इज द सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स है। तो सोगा और टोपा, सोगा और टोपा दो कानून है। सोगा जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, और टोपा किससे डील करता है राजा? एग्जैक्टली, जो ये डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। किससे डील करता है बेटे? इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। एकदम करेक्ट बात है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, 100% आपने एकदम सही आंसर दिया। चलो अब शुरू करेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले किसका पार्ट था? पहले सेक्शन 76 से लेके 123, पहले सेक्शन 76 से लेके 123 है। पूरा का पूरा पार्ट किसका हुआ करता था जानते हैं आप? यस, ये पूरा का पूरा जो पार्ट हुआ करता था, ये पार्ट हुआ करता था दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये पूरा का पूरा किसका पार्ट हुआ करता था राजा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये पार्ट हुआ करता था, पूरा का पूरा सेक्शन 76 से लेके 123 76 से लेके, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात होती थी, फिर ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट हट गया और नया लॉ बना, नाम होता है उसका सेल्स ऑफ गुड्स है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड जो भी गुड्स में ओनरशिप एंड ये सब रिलेटेड बातें इससे डील करता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, इमोबल प्रॉपर्टी से डील करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है सेल्स ऑफ गुड्स है। ये बात आप सभी को ध्यान रखने वाली है, तो आ जाइए। चलिए सो लेट्स गो, आ जाइए
एंड लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट एवरीवन, शुरू करते हैं अच्छे से बढ़िया तरीके से एंड मजा आएगा इसको पढ़ के. सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट एवरीवन. नाम है इसका क्या? सेल्स ऑफ गुड सेक्स. सो आ जाइए जी, शुरू करते हैं जी. लेट्स गो एवरीवन, आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों. लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो पार्टी. लेट्स गो, आ जाइए. जन्मों की, ये मेरे हिसाब से सिर्फ जनवरी वाले बच्चे होंगे, नवंबर वाले हार्डली कुछ बच्चे हैं जो ये रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, बाकी तो सबने ऑलमोस्ट देख ही लिया इसको. सो वो नहीं है. और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैं बोलूंगा लेक्चर देखो भी मत, सेल्फ स्टडी करो. अगर कहीं कंसेप्चुअल में दिक्कत है जो जिनका ये देखा हुआ है तो ये लेक्चर देखना. चलिए, आसान टॉपिक है वैसे ये. चलिए जी, शुरू करते हैं. लेट्स गो एवरीवन, हियर वी गो, बारी, लेट्स स्टार्ट. चलिए, सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 4. बोलिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है? सेक्शन 4, विच इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. क्या बोलता है ये? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय सेलर, जहां पे सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, मतलब सेलर ट्रांसफर करता है या अग्री करता है कि मैं ट्रांसफर करूंगा. क्या ट्रांसफर करूंगा? प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि ओनरशिप इन गुड्स. किसको? बायर को. किसको बेटा? बायर को. और बदले में क्या लूंगा बोल रहा है? पैसा. बदले में क्या लूंगा बोल रहा है? पैसा. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है क्या, जल्दी बताना. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेलर ट्रांसफर कर देता है या वादा करता है कि मैं ट्रांसफर करूंगा. क्या? प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी ओनरशिप इन गुड्स. किसको? बायर को. बदले में क्या मिलेगा? प्राइस, यानी ऐसा मिलेगा. बराबर है, बात समझ में आ रही है? सेक्शन 4 क्या कह रहा है? सेक्शन 4 क्या कह रहा है? सेक्शन 4 कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेलर ट्रांसफर करता है या वादा करता है कि मैं बेचूंगा, या तो कर देता है या तो बोलता है कि मैं बेचूंगा. क्या? प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी ओनरशिप इन गुड्स. किसको? बायर को. बदले में क्या लेता है? पैसा. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, जल्दी से बोलो. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर व्हाट? प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस. फिर से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर व्हाट? प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस. समझ में आ रहा है? मैंने आपको मेरा फोन बेचा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है. वादा किया कि बेचूंगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है. बदले में आप मुझे क्या देंगे? पैसा. बदले में आप मुझे क्या देंगे? पैसा. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर व्हाट बेटे? प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस. फिर से बोलो, क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जल्दी बताओ. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस. फिर से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस. फिर से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस. फिर से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस. यस और नो? बोलो हाँ या ना. क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? फिर से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस. अच्छा, इसमें दो पार्टी होती है, जी हाँ, इसलिए बायलेटरल बोलते हैं. जहां पे भी दो पार्टी हो उसे क्या बोलते हैं? बायलेटरल. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑलवेज बी बायलेटरल, दो पार्टी होती है. ट्रांसफर किसकी होती है? प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप. अरे बोलो हाँ या ना. मैंने मेरा फोन आपको सिर्फ यूज करने दिया, इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? नो. ट्रांसफर क्या होनी चाहिए? ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए. बराबर है? ओके. सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या है? गुड्स. क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? गुड्स. क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? गुड्स. क्या साफ साफ लिखा है? ट्रांसफर और अग्री टू ट्रांसफर. ट्रांसफर और अग्री टू ट्रांसफर ओनरशिप इन, ओनरशिप इन गुड्स. साफ साफ लिखा हुआ है ओनरशिप इन गुड्स. साफ साफ लिखा हुआ है कि गुड्स ट्रांसफर करते हैं, सर्विसेज नहीं. क्या ट्रांसफर करते हैं? गुड्स. ठीक है, गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में. गुड्स कहता है हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है. हर प्रकार की मूवेबल वस्तु गुड्स है. जो भी चीज मूवेबल है, मतलब इधर से उधर मूव हो सकती है, वो गुड्स है. इसमें कुछ चीजें इंक्लूड होती है, जैसे स्टॉक, मतलब सामान है, कोई माल है, शेयर्स हैं कंपनी के, वो भी गुड्स हैं. ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, लाइक एक टमाटर का पेड़ है, वो भी गुड्स है.
ग्रास है घास है वो भी गुड्स है. Things attached to or forming part of land which are agreed to be served before sale or agreement to sell. मतलब कोई चीज जमीन से अटैच है बट निकाली जा सकती है सेल या अग्रीमेंट टू सेल के पहले. मतलब अभी तो वो जमीन से अटैच है बट वो निकाली जा सकती है. कब निकाली जा सकती है? सेल या अग्रीमेंट टू सेल के पहले. बोलो कब निकाली जा सकती है? सेल या अग्रीमेंट टू सेल के पहले. तो क्या क्या आता है मेरे को बताओ गुड्स में, और क्या क्या आएगा? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्री टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर अग्रीमेंट टू सेल. बोलो गुड्स का मतलब क्या? गुड्स मतलब हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्री टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. फिर चलो क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्री टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. फिर चलो क्या होता है? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्री टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. फिर चलो क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्री टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. यस पीपल, मतलब अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है बेटा. अच्छा कुछ चीजें गुड्स में नहीं आती, जैसे मनी, पैसा नहीं आता गुड्स में. मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए बदले में 10-10 के 10 नोट ले लिए, गुड्स है क्या? हैं? पैसा गुड्स में आता है? पैसा गुड्स में आता है जानी? पैसा गुड्स में नहीं आता. एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स में नहीं आता. व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? आशीष सर से मुझे 10 लाख रुपए लेने हैं, मैंने ये राइट आपको ट्रांसफर किया, ये गुड्स है. मेरे को आशीष सर से 10 लाख लेने हैं, मेरा एक्शनेबल क्लेम है, लेकिन मैं ये राइट आपको ट्रांसफर करूं तो ये गुड्स में नहीं आता. बिना देखे बोलो गुड्स क्या? गुड्स मतलब every kind of movable property which include stock, shares, growing crop, grass or things attached to or forming part of land jo zameen se judi hai which are agreed to be served matlab wo separate ho sakti hai before sale or under agreement of sale. Before sale or agreement to sale. बोलो हाँ या ना. Sale या agreement to sale के पहले जो चीज जमीन से attached है बट निकाली जा सकती है वो भी goods है. पंखा अभी तो attached है, निकाला जाए goods है. ये दरवाजा अभी तो अटैच है, निकाला जा सकता है गुड्स है. एसी अभी तो अटैच है, निकाला जा सकता है गुड्स है. लेकिन बिल्डिंग गुड्स नहीं है, जमीन गुड्स नहीं है. बात समझ रहे? पक्का डन. अच्छा ओल्ड कॉइन गुड्स में आते हैं क्या? ओल्ड कॉइन एक पैसा दो पैसा वो गुड्स में आते हैं क्योंकि वो सेलेबल होते हैं, वैल्यू होती है उसकी, उसको गुड्स मानते हैं. किसको? ओल्ड कॉइन, जो पुराने सिक्के होते हैं ना उनको गुड्स मानते हैं. सो गुड्स क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल और अग्रीमेंट टू सेल. एंड क्या इसमें इंक्लूड नहीं होता गुड्स में? एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है, साथ में मनी, पैसा भी गुड्स नहीं, एक्सटर्नल क्लेम भी गुड्स नहीं और मनी भी गुड्स नहीं है. बोलो याद रहेगा ये सभी को? बोलो हाँ या ना. यस और नो, क्वाइट इजी, कंफर्टेबल. यस और नो, बड़ी जल्दी बताइए. तो गुड्स मतलब क्या? हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होता है इसमें. स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू विच आर अग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर अग्रीमेंट टू सेल. और इंक्लूड नहीं होता इसमें क्या? एक्सटर्नल क्लेम और मनी. जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यहां तक समझ में आया बताइए जी सभी लोग. कम ऑन टेल मी. यस पीपल बोलिए बेटे. ऐसा प्यार तू जताए. सर बट कोई अनाउंसमेंट नहीं क्या आया कि आपने एबीसीएल का मैराथन है रिवीजन कुछ? क्यों ने भाई मैंने तेरे संग. ये ओल्ड सिलेबस के लिए है. हाँ है ना, सेल्स ऑफ गुड्स ओल्ड सिलेबस में है ना, बिल्कुल है. तो ओल्ड सिलेबस वाले बिल्कुल देख सकते हैं इसको. इसके बाद मैं स्पेसिफिक रिलीफ कराऊंगा, वो भी ओल्ड सिलेबस वाले देख सकते हैं. उसके बाद एक दिन मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला हूँ, वो भी ओल्ड सिलेबस वाले देख सकते हैं. एक दिन पूरा नेगोशिएबल कराने वाला हूँ, वो भी ओल्ड सिलेबस वाले देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलो देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, है ना. चलो ईजी है बेटे, बोलो हाँ या ना. चलिए वंडरफुल पीपल आ जाइए. गिफ्ट भी नहीं आएगा. कौन सा गिफ्ट? ये वाला, इसमें गिफ्ट नहीं आएगा. मतलब वो गिफ्ट देखो मूवेबल प्रॉपर्टी का है तो वो गुड्स हो सकता है ना गिफ्ट, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं आएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों तरफ से कंसीडरेशन होना चाहिए. गिफ्ट एक अलग कंसेप्ट हो गया, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जितने भी लोग देख रहे हैं ये लेक्चर, लाइक जरूर करना एंड आगे बढ़ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो माई स्वीटी क्यूटी पाई, आ जाइए माई बेबीज. चलो जी आगे बढ़े गाइस. चलो वंडरफुल. क्या एग्जीक्यूटिव की क्लास है? ओम कह रहा है
हाँ बेटा एग्जीक्यूटिव की क्लास है, चलो आओए। पक्का क्लियर है? गुड्स मतलब बताओ, गुड्स मतलब क्या? हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या इंक्लूड होता है इसमें? स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर अग्री टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर अग्रीमेंट टू सेल। क्या इंक्लूड नहीं होता इसमें? एक्शनेबल क्लेम और मनी। क्या चीज इसमें इंक्लूड नहीं होती, जल्दी बोलो? एक्शनेबल क्लेम और मनी इसमें इंक्लूड नहीं होता। क्या इंक्लूड नहीं होता बोलिए? एक्शनेबल क्लेम और मनी इसमें जो है इंक्लूड नहीं होता। राजा बोलो हाँ या ना? चलो अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट ध्यान देना सारे बच्चे, सारे बच्चे, प्यारे बच्चे, न्यारे बच्चे, ध्यान देना, आ जाओ। नेक्स्ट है, हमेशा जब हम कोई चीज सेल करते हैं बदले में क्या मिलता है? पैसा। बदले में क्या मिलता है? पैसा। उसे हम बोलते हैं प्राइस। क्या बोलते हैं? प्राइस। चलो मेरे को बताओ, मैंने आपको फोन दिया, आपने मुझे टीवी दिया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? मैंने आपको फोन दिया, आपने मुझे टीवी दिया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? हाँ, मैंने आपको भाई साहब ककड़ी दिया, आपने मुझे मूली दे दी, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? मैंने आपको टमाटर दिए, आपने मुझे आलू दे दिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? हैं? क्यों भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको टीवी दिया, आपने मुझे बीवी बोलता हूं, मैंने आपको टीवी दिया, आपने मुझे फोन दे दिया और साथ में 500 रुपए भी दिए। मैंने आपको टीवी दिया, आपने मुझे फोन भी दिया, साथ में 500 रुपए भी दिए, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? हाँ, क्योंकि साथ में अब क्या जुड़ गया? पैसा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आ जाएगा, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में याद रखना, सारे असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होने चाहिए। बोलो, कौन प्रेजेंट होने चाहिए? सारे असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड क्या है? कितनी पार्टी होनी चाहिए बोलो? दो। ट्रांसफर किसकी होगी? ओनरशिप। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या? हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड व्हाट? स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्री टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर अग्रीमेंट टू सेल। क्या इसमें इंक्लूड नहीं होगा? एक्शनेबल क्लेम भी इंक्लूड नहीं होगा और मनी। इसमें ना एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड होगा ना मनी। एक्शनेबल क्लेम भी इसमें इंक्लूड नहीं होता और मनी भी इसमें इंक्लूड नहीं होता। याद रहेगा गाइस? चलिए, वंडरफुल। अच्छा, बदले में क्या मिलेगा गाइस? प्राइस। बदले में क्या मिलेगा? प्राइस। और क्या सारे असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए? यस। बोलो क्या प्रेजेंट होने चाहिए इसमें? असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो क्या प्रेजेंट होने चाहिए राजा? असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट इजी एवरीवन? टेल मी पीपल, लवली माय स्वीट क्यूटी पाई, वंडरफुल एवरीवन। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इजी है? तो अगर आए एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, इसके फीचर क्या है, तो क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस। और इसके असेंशियल क्या है? दो पार्टी है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, सब्जेक्ट मैटर गुड्स है, बदले में प्राइस मिलता है और इसमें असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होने चाहिए। वंडरफुल पीपल, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। रिविजन स्टार्ट किया क्या आज से? हाँ, तो रिविजन ही तो है और क्या है। चलो आगे बढ़े गाइस, लेट्स गो, वंडरफुल, आ जाइए। चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट है गाइस, इसके बाद सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है? बोलो किसमें? सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है, आइए देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट बेटा? सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल देख ले फटाक से। चलो वंडरफुल, जल्दी से देख लेना सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है। आ जाओ, मैंने अगर आपको गुड्स बेचा, ये फोन बेचा, तो सेल में आपको ओनरशिप कब मिलेगी? मैंने अगर आपको ये गुड्स बेचा तो आपको सेल में इसकी ओनरशिप कब मिलेगी? इमीडिएट गाइस, तुरंत मिलेगी। इमीडिएट का मतलब तुरंत। और मैंने आपको वादा किया कि बेचूंगा दो दिन बाद, तो अब कब मिलेगी ओनरशिप? फ्यूचर में। कब मिलेगी? फ्यूचर में, है ना? अच्छा, कौन एग्जीक्यूटेड है? कौन ऐसा है जो हो गया? सेल। कौन ऐसा है जो होना बाकी है? अग्रीमेंट टू सेल। अरे सेल मतलब दे दिया ओनरशिप, अग्रीमेंट टू सेल मतलब वादा किया कि दूंगा, और क्या? दे देना इज अ सेल, वादा करना कि दूंगा इज अ अग्रीमेंट टू सेल। बोलो हाँ या ना? वंडरफुल। तो सेल इमीडिएट है, अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर डेट पे होती है। डन है ना? वंडरफुल। अच्छा, सेल एब्सोल्यूट है, अग्रीमेंट टू सेल कंडीशनल है। मतलब क्या इसका? सेल में तो दे दिया, अब कोई कंडीशन थोड़ी अटैच हो सकती है उसमें। अग्रीमेंट टू सेल में कंडीशन हो सकती है, तुम मुझे पहले पैसे दोगे तो ही दूंगा, तुम पैसा बैंक से ही दोगे, तुम पैसा इस दिन दोगे तो ही इस दिन दूंगा। बहुत सारी कंडीशन अग्रीमेंट टू सेल में हो सकती है। अच्छा, सेल होने के बाद के लॉस किसके हैं? सेल होने के बाद के लॉस बायर के, हमेशा याद रखना। सेल होने के बाद के लॉस किसके हैं? बायर के। और अग्रीमेंट टू सेल हुई है, अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, और कोई लॉस हुआ तो लॉस किसके? सेलर के। लॉस किसके? सेलर के। इजी है ना? अरे बोलो हाँ या ना? इसका एग्जांपल देता हूं, मैंने
आपको मेरा, मैंने आपको मेरी कार दिया, आपने कार ले ली, कार बेच दी आपको, कार आप मेरे से खरीद लिए, पैसे दे दिए, लेके जा रहे थे और ठोक दिए रास्ते में कार, लॉस मेरा कि आपका? आपका, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। लेकिन 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 आपने बोला था सर 10 दिन बाद लेके जाएंगे, और अभी तक आप लेके नहीं गए थे, 10 दिन बाद आपको ओनरशिप मिलने वाली थी, ठीक है, 10 दिन बाद आप पैसे देने वाले थे, उसके बीच मैंने ठोक दिया उसके पहले, लॉस किसका? मेरा। बात समझ रहे हो ना? आप पानीपुरी वाले भैया के पास गए, कटोरा लेके खड़े हो गए, प्लेट लेके खड़े हो गए, पानीपुरी वाले भैया पानीपुरी खिला ही रहे थे, बस आपकी प्लेट में आई रही थी, रास्ते में गिर गई, लॉस किसका? पानीपुरी वाले का, क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन पानीपुरी आपकी प्लेट में आ गई, अब आप ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब आप उठा के खा रहे थे और गिर गई, तो आपका लॉस। अरे बोलो हाँ या ना, इजी है ना। सेल होने के बाद के लॉस किसके? बायर के। सेल होने के पहले के लॉस किसके? सेलर के। सेल होने के बाद के लॉस किसके? बायर के। सेल होने के पहले के लॉस किसके? सेलर के। इट याद रखना, ऑलवेज 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 याद रखना, इट्स द ओनर हु बेयर द लॉस। बोलो इट्स द ओनर हु बेयर द लॉस। फिर से बोलो इट्स द ओनर हु बेयर द लॉस। अरे बोलो फिर से बोलो इट्स द ओनर हु बेयर द लॉस। चलिए वंडरफुल। इट्स व्हाट बेटा? इट्स द ओनर हु बेयर द लॉस। याद रखिए इस बात को, इट्स द व्हाट बेटा? ओनर हु बेयर द लॉस। इस बात को याद रखना कि इट्स द ओनर हु बेयर द लॉस। इस बात को याद रखिएगा गाइस कि इट्स द ओनर हु ऑलवेज बेयर द लॉस। ठीक है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इस बात को याद रखना कि इट्स द ओनर हु बेयर द लॉस। वंडरफुल पीपल, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए वंडरफुल, नेक्स्ट है, ध्यान देना गाइस। अच्छा एक बात बताना, सारे बच्चे बताओगे क्या? पक्का पूछूं बताओगे? चलो देखते हैं आप में से कौन बताएगा। लेट्स सी लेट्स सी गेट आउट। अगर मैंने आपको गुड्स सेल कर दिया, ठीक है, मैंने आपको गुड्स दे दिया, आपके गुड्स हो गए और आपने ब्रीच कर दिया, तो क्या करोगे? मतलब मैंने आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गुड्स की, आप पैसे नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आप पे सेल करूंगा, सॉरी सेल कहता हूं, मैं आप पे केस करूंगा। किस चीज के लिए? कि मुझे पैसा दो। मैंने आपको गुड्स सेल किए और आप मुझे पैसा नहीं दे रहे, मैं केस करूंगा कि मुझे पैसा दो। अच्छा मैंने आपको वादा किया था कि बेचूंगा, आपने वादा किया था खरीदोगे, अब आपने वादे को तोड़ दिया, आपने बोल दिया नहीं खरीदेंगे, तो अब मैं काहे के लिए केस करूंगा? डैमेजेस दो, है ना। हो सकता है मैंने गुड्स को बेचा नहीं कि आप खरीदोगे, अब आप भी खरीदने से मना कर रहे हो, तो आप क्या दो? डैमेजेस दो। अच्छा मान लो मैंने आपको गुड्स बेच दिया, मैंने कहा गुड्स आपके हो गए, लेकिन ओनरशिप आपको मिल गई, लेकिन फिर भी मैं आपको पोजेशन दे ही नहीं रहा हूं। आप आए लेने, मैंने कहा नहीं दूंगा, आपने पैसे दे दिए मेरे को और मैं दे ही नहीं रहा हूं, तो आप क्या करोगे? फिर केस करोगे। क्या केस करोगे मेरे पे? बोलो। बायर केस करेगा किस बात के लिए? डैमेजेस के लिए। किस बात के लिए? डैमेजेस के लिए। या तो डैमेजेस दे दो या तो गुड्स दो, दोनों चीजें मांगोगे। या तो क्या मांगोगे? डैमेजेस, या तो क्या मांगोगे? गुड्स, दोनों में से एक चीज मांगोगे। बोलो हाँ या ना। अच्छा मैंने आपको वादा किया था बेचूंगा, लेकिन बेचा नहीं, तो क्या मांगोगे मेरे से? डैमेजेस। तो याद रहेगा सेल और अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस बाय चांस आ गया, बनेगा एग्जाम में? बोलो जल्दी बोलना। चलो सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएट। अग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर। सेल क्या है? एग्जीक्यूटेड। अग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्जीक्यूटरी। कौन एब्सोल्यूट है? सेल। कौन कंडीशनल है? अग्रीमेंट टू सेल। बोलो हाँ या ना। किसमें ओनरशिप, मतलब किसमें लॉस? बायर का। सेल होने के बाद का लॉस बायर का। अग्रीमेंट टू सेल के बाद लॉस सेलर का ही है, क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुई है, सेल के बाद लॉस बायर का होता है ना। अच्छा एक बात बताना, सेलर के क्या राइट्स हैं अगर बायर ब्रीच कर दे सेल में? तो पैसे के लिए केस करेंगे, सू फॉर मनी। और अग्रीमेंट टू सेल में बायर ब्रीच करे तो डैमेजेस मांगेंगे। अच्छा सेल में सेलर ने ब्रीच किया तो या तो डैमेजेस मांगेंगे या तो गुड्स मांगेंगे, और अग्रीमेंट टू सेल में सेलर ने ब्रीच किया तो डैमेजेस मांगेंगे बायर। बोलो हाँ या ना। वेरी गुड माय क्यूटी स्वीटी पाई, वंडरफुल एवरीवन, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो।
सर पढ़ाई हो रही है अच्छे से, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ओल्ड सिलेबस की ईबीसीएल में पढ़ सकते हैं? अरे बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, ओल्ड सिलेबस वाले देख सकते हैं, सेम है पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और न्यू सिलेबस वाले जेएचएल वाले देख सकते हैं। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल एंड बेलमेंट में क्या फर्क है, बोलो किसमें बेटा? सेल एंड बेलमेंट। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, आइए लेट्स चेक इट आउट गाइस, कि सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है, आइए जी देखते हैं जी। चलिए जी लेट्स गो जी, एवरीवन जी आ जाइए जी, चलिए जी लेट्स गो जी, लेट्स गो जी, लेट्स गो जी, वो करेंगे भूमि बाद में, चलो आ जाओ। सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है, सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है, आइए देखते हैं। सर आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, मैं रिवीजन ले रहा हूं, आज और कल दो दिन में कराऊंगा, हो सकता है तीन लेक्चर भी लगे, ठीक है, मैं मैराथन काइंड ऑफ में नहीं पढ़ा रहा हूं। चलिए सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है, आइए समझाता हूं आपको बेलमेंट क्या होता है। समझे, मैंने आपको मेरी कार सिर्फ दो दिन के लिए यूज करने के लिए दिया, ये क्या है बेलमेंट, मैंने सिर्फ यूज करने के लिए दिया कि ये रखो चार घंटे के लिए मेरी कार, तुम्हें कार की जरूरत थी भाई को, चार घंटे के लिए भाई को कार चाहिए थी, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, हाँ सब समझ गए। तो भाई को चार घंटे के लिए क्या चाहिए थी, मेरी कार चाहिए थी, मैंने भाई को कार दिया चार घंटे के लिए, सिर्फ यूज करके भाई को वापस, भाई यूज वापस दे देगा, तो ये है बेलमेंट। अगर कार की मालिकाना हक दे देता, कार बेच देता तो सेल है, लेकिन सिर्फ यूज करने के लिए दिया हूं चार घंटे के लिए, ये क्या है बेलमेंट। अब बेलमेंट दो प्रकार की होती है, ग्रेटिशियस नॉन ग्रेटिशियस। मैंने इसको चार घंटे के लिए कार दिया और कोई पैसा नहीं लिया तो ग्रेटिशियस, और एक घंटे का ₹1,000 लिया, मैं कहा एक घंटे का ₹1,000 लगेगा, लग्जरी कार है भैया आपको दे रहा हूं मैं, 4,000 तो बनते कि नहीं, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम के लिए एटलीस्ट 4,000 तो बनते हैं, तो मैंने कितने मांगा भाई से, ₹4,000। तो ये क्या है नॉन ग्रेटिशियस, पैसे मांगा तो नॉन ग्रेटिशियस, समझ रहे बात को। तो सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, वेरियस बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ गुड्स दिए जाते हैं एक पर्पस के लिए, सिर्फ पर्पस के लिए गुड्स दिए जाते हैं, जैसी पर्पस खत्म गुड्स वापस ला के दे दो, तेरा जैसी काम खत्म, चार घंटे का काम एक घंटे में होगा तो एक घंटे में पैसा ला देना, लेकिन मैं पैसे तो चार घंटे के ही लेने वाला हूं, बोलो यस और नो गाइस। एनीवे सेल में याद रखना ओनरशिप मस्ट है, ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, बेलमेंट में सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर करते हैं, मतलब सिर्फ कार देंगे, कार का मालिकाना हक नहीं है ना। सेल में याद रखना पोजेशन जरूरी नहीं है, हमेशा ट्रांसफर हो सकता है, पोजेशन बायर बाद में लेके जाए सेल होने के बाद, लेकिन बेलमेंट में क्या लेके जाएगा पोजेशन। सेल को कौन चलाता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बेलमेंट को कौन चलाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। तो सेल और बेलमेंट में याद रखना, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में पोजेशन ट्रांसफर होती है। सेल में पोजेशन ट्रांसफर मस्ट नहीं है, मतलब पोजेशन हो सकता है बाद में ट्रांसफर हो, ओनरशिप ट्रांसफर मस्ट है। बेलमेंट में पोजेशन ट्रांसफर होती है बस, डस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बेलमेंट में क्या ट्रांसफर नहीं होती, ओनरशिप, क्या ट्रांसफर होती है पोजेशन। समझ आ गई बात, अरे बोलो यस और नो गाइस। चलिए वंडरफुल वंडरफुल पीपल, वंडरफुल पीपल, वंडरफुल पीपल। सर आपने अनाउंसमेंट नहीं किया कि रिविजन स्टार्ट हो गई है करके, आई एम सॉरी यार। चलो ओके, सो सेल और बेलमेंट फर्क समझ आया, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ यस और नो गाइस, टेल मी गाइस, बड़ी टेल मी, बड़ी 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 बड़ी, चलिए बताओ। एक्चुअली प्लान नहीं था सबके लिए वाला रिवीजन लेक्चर पब्लिक लेने का, लेकिन मैंने कहा यूट्यूब पे ही ले लेता हूँ इसको, एक्चुअली इट वॉज अनप्लान्ड, दैट्स वाई ऐसा हो गया, अदरवाइज प्लान करके डालता तो अभी व्यू वॉचिंग भी ज्यादा होती, मैंने इसको अनलिस्टेड कर दिया हूँ, वैसे भी पब्लिक नहीं है अभी, लिंक दे दिया हूं लेकिन लेक्चर अनलिस्टेड है। आ जाओ चलिए आगे बढ़े गाइस, तो याद रहेगा पक्की बात, प्रॉमिस, वंडरफुल, प्राउड ऑफ यू, ऑसम गाइस, एक नंबर गाइस, आ जाओ गाइस आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए गाइस यस पीपल, आ जाइए पीपल, चलिए पीपल। नेक्स्ट है माय स्वीटहार्ट, सेल और हायर परचेस में क्या फर्क है, सेल और हायर परचेस। जब भी हम कोई चीज इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो इट्स काइंड ऑफ, जब भी हम कोई चीज काय में खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो इट्स काइंड व्हाट बेटा, हायर परचेस, एग्जैक्टली इट्स काइंड ऑफ हायर परचेस। आपको बताता हूं उसमें होता क्या है, सेल में, सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हायर परचेस में याद रखना हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हायरिंग अग्रीमेंट टू सेल, मतलब मैंने कार खरीदा से 20 लाख की, आज डाउन पेमेंट कर दिया ₹1,00,000 का, बाकी मेरे बचे हैं 19 लाख, वो मैं हर महीने 1 लाख दूंगा,
मुझे ओनरशिप कब मिलेगी? कार तो जैसे ही पहली पेमेंट किया, पहली इंस्टॉलमेंट पे किया, कार की पोजेशन मिल गई. ओनरशिप कब मिलेगी? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. बोलिए ओनरशिप कब मिलेगी? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. फिर से बोलिए ओनरशिप कब मिलेगी? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. इसको बात क्यों याद रखिएगा? ओनरशिप मुझे मिलेगी ऑन द पेमेंट ऑफ व्हाट बेटे? लास्ट इंस्टॉलमेंट. याद रखना इस बात को. आई विल गेट द ओनरशिप ऑन द पेमेंट ऑफ व्हाट बेटे? लास्ट इंस्टॉलमेंट. फिर से ओनरशिप कब मिलेगी? ऑन द पेमेंट ऑफ. एग्जैक्टली माई स्वीट हार्ट. ओनरशिप मिलेगी ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. समझ में आई बात? आपने भाड़े से कार खरीदी है, अभी इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तो कार तो कब मिल जाएगी? जब पहली इंस्टॉलमेंट पे किया. लेकिन कार का मालिकाना हक कब मिलेगा? जब पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे. बराबर? सेल में तो तुरंत मिल जाती है. किसमें पोजेशन तुरंत मिलेगी? सेल में जरूरी नहीं है तुरंत मिले. हायर परचेस में तुरंत मिलेगी. किसमें ओनरशिप तुरंत मिलेगी? सेल में. हायर परचेस में कब मिलेगी? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. है ना? अच्छा, सेल में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का राइट नहीं, लेकिन हायर परचेस में राइट है. जिस दिन आपको लग रहा आप पेमेंट पूरी नहीं कर सकते, कार वापस दे दो. बोलना नहीं चाहिए तेरी कार रख ले साले, मैं नहीं दे सकता आगे का पैसा. है कि नहीं? कर सकते हो ना? अच्छा, अरे बोलो यस और नो. अच्छा, सेल में अगर बायर ने पैसे नहीं दिया, क्या सेलर जाके कार वापस ला सकता है? नहीं 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 नहीं, सेल में नहीं हो सकता ये, सिर्फ केस ही करना का राइट है. लेकिन हायर परचेस में क्या सेलर जाके वापस अपनी कार लेके आ सकता है? यस, बिल्कुल. सेल जरूरी नहीं है राइटिंग में हो, हायर परचेस राइटिंग में होना जरूरी है. हायर परचेस राइटिंग में होना जरूरी है. तो सेल एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरिंग अग्रीमेंट टू सेल है. सेल में पोजीशन तुरंत ट्रांसफर हो जरूरी नहीं है, हायर परचेस में पोजीशन तुरंत ट्रांसफर होगी. है ना? सेल में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर होगी, हायर परचेस में ओनरशिप ट्रांसफर होगी ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. सेल में बायर के पास राइट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का, हायर परचेस में उसके पास राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म कर सकता है. क्या बायर जाके अपने गुड्स को रिपोजेस कर सकता है अगर बायर ने ब्रीच किया? सेल में नहीं कर सकता, हायर परचेस में. यार तुमने अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो मैं तो आके कार लेके जाऊंगा ना, तो हायर परचेस में सेलर के पास ये राइट है. बराबर है? अच्छा, सेल जरूरी नहीं है राइटिंग में हो, हायर परचेस राइटिंग में होना जरूरी है. इजी है ना? ऑनलाइन वाले जितने लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? बोलिए यस और नो. गाइस टेल मी, सर सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो इसके रिवीजन लेक्चर क्यों कह रहे हो आप? तो इसको रिवीजन लेक्चर क्यों कह रहे हो आप? क्यों अभिजीत, रिवीजन में भी तो मैं सारे टॉपिक कवर कराता हूं. कब कौन सा मेरा रिवीजन है अभिजीत, बताओ, जिसमें मैंने मिस कराया हो कोई टॉपिक, एक बता दो. चलिए, आएंगे लाइव आएंगे आराध्या, डोंट वरी. चलो वंडरफुल, याद रहेगा मेरे बच्चा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ऑसम, एक नंबर, बहुत बढ़िया. चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ आ रहा है, दिमाग में जा रहा है? यस पीपल. चलिए पीपल आ जाइए, वंडरफुल पीपल आ जाइए. लेट्स गो 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 वंडरफुल 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 वंडर वंडरफुल. चलिए पीपल, याद रहेगा सभी को, है ना? अभिजीत कह रहा है मतलब सरे सर इसमें मतलब ज्यादा मजा आ रहा है मेन लेक्चर से. अच्छा, तेरा इंटेंशन अच्छा है, मतलब लव यू टू. चलो अभिजीत, अच्छा इंसान है तू, तेरे से बात हुई थी ना मेरी फोन पे, अच्छी पढ़ाई करो मेरे भाई. चलो आ जाओ. सर मैराथन, ड्राफ्टिंग का मैराथन कब लोगे? ड्राफ्टिंग का मैराथन दो हो गए हैं मुस्कान, एक और लूंगा अप्रैल मिड में. चलो आ जाइए, मूविंग ऑन. अब आगे बढ़ते हैं. सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या फर्क है? सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या फर्क है बताओ? मेरे घर काम वाली बाई आती है, काम करती है, क्या ये सेल है कि ये बेलमेंट है कि ये हायर परचेस है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर है, बताइए. मेरे घर काम वाली बाई आती है काम करने, ये सेल है कि हायर परचेस है कि ये बेलमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर. इलेक्ट्रीशियन आया काम करने, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर. व्हाइट वॉश करने को या चूना लगाने को आए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क, पेंट करने वाले हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर. ठीक है, ये सब किसमें आएगा? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर. इसमें कोई गुड सर्विस नहीं, मतलब गुड्स नहीं होते इसमें, इसमें सर्विसेस होती हैं. क्या होती है इसमें? सर्विसेस. कोई अपनी स्किल से आपको सर्विसेस देता है, लाइक टीचिंग. टीचिंग एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर है, लेबर का काम कर रहा हूं मैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर. चलिए वंडरफुल पीपल. अच्छा, गुड्स मैंने आपको बताया, बिना देखे सभी लोग गुड्स को मेरे को बताएंगे, बिना देखे सभी लोग मेरे को गुड्स को बताएंगे, बिना देखे. चलो कम ऑन एवरीवन, टेल मी, बिना देखे बताएंगे,
जल्दी से बताइए गाइस, कम ऑन गाइस, बिना देखे मुझे सारे बच्चे बताएंगे, कम ऑन एवरीवन, टेल मी गाइस, बिना देखे मुझे सारे बच्चे बताएंगे, कम ऑन गाइस, जल्दी से बताओ गाइस, कम ऑन गाइस, जल्दी से मुझे बताइए, बोलिए, चलिए ऐसा प्यार तू जताए तेरे पास मेरे अनबानी। हाँ जी, गुड्स बताओ, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड व्हाट स्टॉक शेयर्स ग्रोइंग क्रॉप ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर अग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक मिनट देना मेरे भाई। हेलो, हाँ जी मेरे भाई, अच्छा अभी आ रहा है ना, आ जाना भाई, ठीक है ना, आजा आजा, मम्मी पापा है ना साथ में, अच्छा चल ठीक है, लेकिन घर लेके आना उनको जरूर, ठीक है चलेगा, ओके भाई, चलिए आइए, चलो लेट्स गो एवरीवन। चलिए आ जाइए, तो गुड्स, गुड्स मतलब क्या, फिर से एक बार बोल दो क्या गुड्स मतलब, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड स्टॉक शेयर्स ग्रोइंग क्रॉप ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर अग्रीड टू बी सर्व। बताओ याद रहेगा, अरे बोलो यस और नो, ठीक है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ऑसम, एक नंबर, बहुत बढ़िया गाइज, लवली गाइज। चलिए सर, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स में आएगा, हाँ इलेक्ट्रिसिटी गुड्स में आता है ना, रिवीजन परचेस कर सकते हैं क्योंकि ओल्ड में हूं और क्लासेस नहीं है तो रिवीजन की लिंक नहीं आती अब। सर रिवीजन परचेस कर सकते हैं क्योंकि ओल्ड में हूं एंड क्लासेस नहीं है तो लिंक की नहीं आती अब। टेंशन मतलब परचेस करने की जरूरत नहीं है कुछ, आपको आ जाएगी लिंक, आप मेरे टेलीग्राम में ऐड हो जाओ यूनिक के, उसमें सारी लिंक आती है, इंस्टा पे जो कम्युनिटी बनी हुई है उसमें ऐड हो जाओ, उसमें आती है, आप टेंशन मत लो, आ जाएगी। चलो आ जाओ, आगे बढ़े, आइए बेटा, चलिए पीपल आ जाइए, पीपल आ जाइए, पीपल पीपल पीपल, लेट्स गो। सर गुरुजी एग्जाम फॉर्म फिल किया था मार्च 24 को बट पेमेंट स्टेटस ड्राफ्ट दिखा रहा है, क्या मुझे फिर से एक बार आईसीएसआई में कांटेक्ट करो इसके रिगार्डिंग। चलिए मैं करवा दूंगा धारा जी, टेंशन मत लो, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो गुड्स का मतलब क्लियर है ना, वेरी गुड माई स्वीटी क्यूरी पाई, आ जाइए जी सभी लोग, चलिए लेट्स गो, आगे बढ़े गाइस, चलो वंडरफुल, ऑसम, बहुत बढ़िया। चलो इलेक्ट्रिसिटी किसी ने पूछा गुड्स है क्या, जी हाँ, कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स मध्य प्रदेश इंदौर वर्सेस मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जबलपुर में डिसाइड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, डिलीवर हो सकती है, स्टोर हो सकती है, पजेस करती है, ना सेम वे जैसे कि कोई दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी और ये सेल हो सकती है, परचेस हो सकती है इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे कि कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिफिकल्ट नहीं है कि ये गुड्स मतलब ना हो, ये बिल्कुल गुड्स में आएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल गुड्स में आएगा, ठीक है गुड्स में आएगा, किसने कहा ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक्शनेबल क्लेम गुड्स में आएगा नहीं, एक्शनेबल क्लेम गुड्स में नहीं आएगा, अरे बोलो यस और नो, ठीक है। अच्छा ये बताना, गुडविल ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट ये सब गुड्स में आएगा, गुडविल कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क ये सब गुड्स में आएगा, बोलो गुड्स माना गया उसको, ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट गुडविल इनको गुड्स माना गया है, शिप को भी गुड्स माना गया है, वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी को बोला डाउटफुल है पहले तो कि वो गुड्स है क्या, लेकिन जबलपुर वाले केस ने क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी तो गुड्स है, क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी तो गुड्स है। अच्छा लॉटरी टिकट गुड्स में आएगा कि नहीं, लॉटरी टिकट को भी गुड्स माना गया है, लॉटरी टिकट को भी क्या माना गया, गुड्स माना गया, तो जो मैंने नाम लिए याद रखना, लॉटरी टिकट को गुड्स माना गया है, फिर जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट इनको गुड्स माना गया है, शिप को गुड्स माना गया है, इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स माना गया है, एक्शनेबल क्लेम को गुड्स नहीं माना गया है, एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है, बाकी सब जो मैंने नाम लिए इन सबको क्या माना गया, गुड्स माना गया, इनको आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स गो। चलिए बेटा ईशा, अभी आप रिकॉर्ड ईबीसीएल का मेरा था ना, मेरा पूरा अपडेटेड पड़ा हुआ यूट्यूब पे, वहां से देख सकते हो अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सर हायर परचेज और बेलमेंट में इमीडिएटली पोजेशन ट्रांसफर होती है. यस भूमि जी, चलो आगे बढ़ते हैं. ऑफिस वाले फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? बेटा आज गुड़ी पाड़वा है, ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए फोन रिसीव नहीं हो रहा होगा. चलो आ जाइए. अभी ध्यान देना सारे बच्चे, कितने प्रकार के गुड्स होते हैं ये समझते हैं. ठीक है, समझे प्यार मोहब्बत से? आ जाओ. ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट करते हैं उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स. ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बोलो. ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स. जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? फिर से बोलो. जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए जी. वेरी गुड. जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है? बोलिए. एग्जिस्टिंग गुड्स. एक बार फिर से बोलो. जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है? फिर से बोलो. एग्जिस्टिंग गुड्स. आवाज नहीं. जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स. ये फोन एग्जिस्टिंग में आएगा कि नहीं? Yes. ये माउस एग्जिस्टिंग में आएगा? Yes. ये कुर्ता एग्जिस्टिंग में आएगा? Yes. ये चश्मा एग्जिस्टिंग में आएगा? Yes. ये घड़ी एग्जिस्टिंग में आएगी? Yes. ये सब एग्जिस्टिंग गुड्स में आएंगे. जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय सेलर के पास है वो क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स. एक मिनट देना, सुनना. तेजल आएगा, उसको गाड़ी की चाबी दे देना, आइटन की. उसके मम्मी पापा बाद में आने वाले, अभी नहीं आने वाले. वो नहीं पता, उससे पूछ लेना एक बार. ठीक है, उसको बोल देना लेके आ. कब आ वो? एक आधे घंटे में. आधे घंटे में. हाँ हाँ हाँ. चलिए पीपल आ जाइए. पीपल आगे बढ़ते हैं. पीपल लेट्स गो. पीपल 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 लेट्स गो. पीपल 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 लेट्स गो. पीपल लेट्स गो. पीपल लेट्स गो. पीपल आगे बढ़े. पीपल आ जाओ. पीपल चलिए. पीपल लेट्स गो. पीपल आ जाइए. पीपल चलिए. पीपल लेट्स गो. पीपल लेट्स गो. पीपल हाँ, कहाँ थे मैं? कहाँ थे हम? एग्जिस्टिंग गुड्स. समझ में एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं? चलो, अब एग्जिस्टिंग गुड्स तीन प्रकार के होते हैं. स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन. बोलो कौन कौन से होते हैं? स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन. फिर से बोलो कौन कौन से होते हैं? स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन. जैसे आईफोन, आपने कहा मोदी सर हमें यही वाला आईफोन चाहिए. आपका मोदी सर यही वाला आपका ग्रे कलर वाला आईफोन चाहिए. ये क्या हो गया? स्पेसिफिक गुड्स. ये क्या हो गया? स्पेसिफिक गुड्स. किसी के पास आईफोन है यहाँ पे? पढ़ाओ दे जल्दी. दौड़ के बेटा, दौड़ के, दौड़ के बेटा, दौड़ के बेटा, दौड़ के. अब यहां पे दो आईफोन है. यहां पे कितने आईफोन है राजा? दो. ठीक है, यहां पे अब दो आईफोन है, बराबर है. अब आप आए मेरी दुकान और बोले मोदी सर आईफोन चाहिए. अब ये पता है क्या है? अनअसर्टेन. ये क्या है? अनअसर्टेन. फिर चलो, अब ये क्या बन गया? अनअसर्टेन. नाउ दिस इज अनअसर्टेन. बोलिए, नाउ दिस इज अनअसर्टेन. अब ये बन चुका है अनअसर्टेन. लेकिन आपने बोला नहीं नहीं मोदी सर हमें ये ग्रीन वाला जो है ना, सॉरी, ग्रीन वाला जो है ना, ये वाला आईफोन चाहिए. तो ये हो गया असर्टेन. एक ही फोन पड़ा है, आपने बोला यही चाहिए. स्पेसिफिक बहुत सारे हैं, अनअसर्टेन. उनमें से एक सिलेक्ट किया, असर्टेन. समझा? एक ही सिलेक्ट है, एक ही पड़ा है, या बहुत क्लियर है यही वाला, तो वो है स्पेसिफिक. बहुत सारे हैं, अनअसर्टेन. एक सिलेक्ट किया, असर्टेन. अब मॉल गए, कुरकुरे खरीदना है, हजार कुरकुरे के पैकेट है, अनअसर्टेन. एक सिलेक्ट किया, असर्टेन. समझ में आया? एक ही पैकेट पड़ा था, स्पेसिफिक. बात समझ आ गई? सो एग्जिस्टिंग गुड्स तीन प्रकार के होते हैं. जो पहले से आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड है कॉन्ट्रैक्ट करने के समय, पहले से ही आइडेंटिफाइड अग्रीड है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स. जो आइडेंटिफाइड नहीं है, है ना, जो आइडेंटिफाइड नहीं है, विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाइड नहीं है वो है अनअसर्टेन. अच्छा, अनअसर्टेन में से आपने किसी को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब निकाला, आइडेंटिफाई किया, तो वो बन जाएगा असर्टेन. जैसे बहुत सारे आईफोन पड़े हुए हैं, तो वो है अनअसर्टेन. एक सिलेक्ट किया तो असर्टेन. समझ में आई बात? और पहले से आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड है तो स्पेसिफिक. ठीक है बेटा? जैसे मिचेल ने बोला मुझे रेड साइकिल चाहिए रोजी की. अब रोजी के पास एक ही रेड साइकिल है, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक. यही रोजी के पास 15 रेड साइकिल होती तो होता अनअसर्टेन. फिर उसमें से एक सिलेक्ट करते तो असर्टेन. As you got the point. तो existing goods के type हैं. Existing goods मतलब क्या होता है? जो contract करते समय exist करता है वो existing goods होता है. जैसे ये bottle exist करती है contract करते समय, तो ये क्या बन जाएगी? Existing goods. अरे बोलो हाँ या ना, बोलो yes or no guys. क्या यार, कैच नहीं पकड़ता. ठीक है, so याद रखना, एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट करते हैं. अच्छा, ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एग्जिस्ट में होंगे, एग्जिस्टेंस में आएंगे, वो फ्यूचर गुड्स. समझा?
जैसे मेरी कपड़े की दुकान है, मैं अगले महीने जो प्रोडक्शन करने वाला हूं, आपने कहा मुझे मोदी सर वो चाहिए, अभी हुआ क्या वो? नहीं, वो कब आएगा? कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद. तो वो कौन से गुड्स में आ जाएगा? फ्यूचर, विच आर नॉट एग्जिस्टिंग एट टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, दे विल कम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दे विल कम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. बोलो ये कब आएंगे एग्जिस्टेंस में? आफ्टर द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फिर चलो ये कब आएंगे एग्जिस्टेंस में? आफ्टर द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फिर चलो ये कब आएंगे एग्जिस्टेंस में? आफ्टर द डेट ऑफ. आपने कहा मोदी सर अगले सीजन में जो मैंगो आएंगे आपके फार्म्स में वो हमें चाहिए, अगले सीजन में. ये सीजन अभी चल रहा है 2025 के सीजन में. तो ये कौन से हो गए? फ्यूचर गुड्स. अच्छा, ऐसे गुड्स जो किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करते हैं, वो होते हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स. जैसे कि आपको अब्बड़ सर का, आपको अब्बड़ सर का क्या पसंद आया? क्या बोलता है वे? ठीक है, मान लो आपको अब्बड़ सर का फोन पसंद आ गया. अब आपने कहा मोदी सर हमें अब्बड़ सर का जो फोन है वही वाला चाहिए. मैंने कहा मैं आपको वो फोन दूंगा अगर अब्बड़ सर मुझे बेचते हैं तो. मतलब मैं आपको अब्बड़ सर का फोन दूंगा कि नहीं किस पे डिपेंड करता है? कि वो मुझे अपना फोन बेचते हैं कि नहीं. तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? मतलब ये कौन से गुड्स हो गए? कॉन्टिंजेंट. ये किसी के होने के या ना होने पर डिपेंड करते हैं. समझ आई बात? आपको मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल कुछ चाहिए, लेकिन से फॉर एग्जाम्पल रिया से आपको उसका फोन चाहिए. आपने मुझे बोला, मैंने कहा मैं आपको रिया का फोन बेचूंगा प्रोवाइडेड रिया अपना फोन मुझे बेचे. तो ये कौन सा गुड्स हो गया? कॉन्टिंजेंट गुड्स. ये कौन सा गुड्स हो गया? बोलिए कॉन्टिंजेंट. समझ आ गया? जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट नहीं करता वो फ्यूचर, जो किस चीज के होने ना होने पर डिपेंड करता है वो कॉन्टिंजेंट. एग्जिस्टिंग गुड्स तीन प्रकार के हैं, पहले से आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड है, स्पेसिफिक. आइडेंटिफाइड अग्रीड नहीं है, लॉट में पड़ा है, अनअसर्टेन. उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे तो असर्टेन. लवली पीपल, सही जा रहे हो, बड़ी आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो एवरीवन. आ जाइए, चलिए मूविंग ऑन. बड़े आगे, चलो 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 चलो, एक मिनट रुकना, एक्सक्यूज मी गाइस. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, ध्यान देना. ओ दादा दीदी बाबू सोना, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना. गुड्स पेरिशिंग आफ्टर द मेकिंग ऑफ अग्रीमेंट. गुड्स पेरिशिंग After the making of agreement, या after, अच्छा पहले ये देख लेते हैं. अच्छा ये हो गया ना? नहीं, ये बाकी है. Section 7, destruction of specific good. Goods perishing after making contract. Goods perishing after making contract. ध्यान देना राजा. ओ राजा ध्यान दो, ठीक है ध्यान देना. Goods perishing before making contract. Contract करने के पहले goods खराब हो चुके हैं, इसे कहते हैं goods perishing before making a contract. जल्दी से इधर फटक से आ जाओ, ठीक है फटक से आ जाओ, भड़क से आ जाओ, फटक से आ जाओ, फटक से. भाई के पास एक घोड़ा है और भाई का वो फेवरेट घोड़ा है. भाई के पास पांच छह घोड़े हैं, हॉर्स हैं. भाई का एक घोड़ा फेवरेट है जो कि सबसे तेज है, जिसका नाम है चेतक. चेतक भाई का फेवरेट है, ठीक है. वो पसंद आ गया भाई को, भाई को पसंद आ गया. सो भाई ने बोला मुझे वो चाहिए. लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, दोनों को नहीं पता था कि चेतक मर गया है. दोनों को नहीं पता था कि चेतक मर गया है. वो खराब हो चुका है या वो अपाहिज हो गया है, वो चलने की हालत में नहीं है, अब वो दौड़ने की हालत में नहीं है, अब वो गया काम से, ठीक है. ये दोनों को पता नहीं था. उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले ही गुड्स खराब हो चुके हैं. तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा कि वॉइड होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि वॉइड होगा? वैलिड होगा. मतलब लॉस किसका होगा? तेरा होगा. तो वैलिड कैसे हुआ कॉन्ट्रैक्ट? नॉनसेंस. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा. क्यों वॉइड होगा? बिकॉज दोनों को नहीं पता है. सो इट्स अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज. काइंड ऑफ इट्स अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? मतलब अग्रीमेंट ही क्या होगा? वो वॉइड. इट विल बी वॉइड. व्हाई इट इज वॉइड? बिकॉज इट्स अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज. यार दोनों को ही नॉलेज में नहीं है, गुड्स पेरिश हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं. ना बायर को पता है ना सेलर को पता है. अच्छा मेरे को बता, तूने इसको बेचने का वादा किया था, तब तक घोड़ा सही था. तूने इसको वादा किया था घोड़ा दूंगा 10 दिन बाद, आज घोड़ा सही है, 5 दिन बाद घोड़ा अपाहिज हो गया, खराब हो गया, मर गया, तो क्या होगा?
तो भी void हो जाएगा, तो भी void हो जाएगा, अब contract void हो जाएगा and तो भी void हो जाएगा कि answer is yes, because अब वो sale possible नहीं है होना, so that's the reason section 7 and section 8 यही कहते हैं, चाहे contract होने के पहले goods खराब हो जाए या agreement to sale के बाद sale होने के पहले goods खराब हो जाए, तो contract क्या बन जाएगा, void बन जाएगा, like मान लीजिए say for example दोस्तों मैं एक आंटी के पास गया, आंटी को बोला आंटी 2 किलो टमाटर दे दो, आंटी आंटी ने बोली बेटा टमाटर लेके आती हूं, आंटी जैसे ही देखने गई सब टमाटर गले खराब थे, तो क्या होगा ये वाइट हो गए, इट्स वाइट। अच्छा आंटी ने बोली बेटा 2 दिन बाद आना मैं तुझे अच्छे फ्रेश टमाटर लाके दूंगी, 2 दिन बाद, मैं 2 दिन बाद गया आंटी के पास कोई टमाटर ही नहीं थे, तो भी क्या होगा, मतलब नहीं थे मतलब खराब हो चुके थे, आंटी ने जो टमाटर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था सब खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, सही नहीं थे या व्हाटएवर, मतलब ये कह रहा है कि भाई देखो अब जनरली ऐसे केस में ना ये भी डिपेंड करता है कि क्या स्पेसिफिक टमाटर थे, मतलब वही कैटेगरी के टमाटर थे, लाइक मान लीजिए आंटी एक टमाटर ला रही थी लंदन से, लंदन के टमाटर चाहिए थे मेरे को, तो वही वाले टमाटर रास्ते में आते आते खराब हो गए, आंटी वही वाले टमाटर गल गए, वही वाले टमाटर डिस्ट्रॉय हो गए, वही जो ट्रक से आ रहे थे टमाटर वो ट्रक उड़ गया, समझ रहे हो, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल कोई भी टमाटर थे तो आंटी को फिर मुझे कोई भी टमाटर देने पड़ेंगे, वो डिपेंड करता है, बट anyway, आपको क्या याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले या अग्रीमेंट टू सेल होने के बाद, बट सेल होने के पहले अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो लॉस सेलर का है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, वो लॉस सेलर का है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, लॉस सेलर का है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वाइड, दैट्स इट पीपल, लवली ग्रेट गोइंग, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो पार्टी, नेक्स्ट है प्राइस, बोलो नेक्स्ट क्या है, प्राइस, वंडरफुल, आ जाइए, जाने क्यों ऐसा लगता। अच्छा एक केस लॉ दिया हुआ है बुक में, केस लॉ आपके एग्जाम में आ सकता है, एक व्यक्ति ने किसी से मोटरसाइकिल लिया और बोला मैं 3 दिन ट्रायल पीरियड पे रखूंगा, पसंद आया तो रखूंगा नहीं तो वापस दे दूंगा, 3 दिन के पहले ही वो कार डिस्ट्रॉय हो गई, फायर एक्सीडेंट से वो कार डिस्ट्रॉय हो गई, लॉस किसका होगा, लाइक मान लीजिए आप एक कार लेके आते हो है ना, 3 दिन बोला आपने ट्रायल पे रखोगे, 3 दिन बाद पसंद आया तो रखोगे नहीं तो वापस दे दोगे, 3 दिन के अंदर वो कार फायर एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉय हो गई, लॉस किसका होगा, सेलर का कि बायर का, मतलब आपका लॉस किसका होगा, तो ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक लॉस सेलर का है ना, क्योंकि इट्स ऑलवेज द ओनर हु बेयर्स द loss, exactly, it's always the owner who bear the loss, it's always the owner who bear the loss, इस बात को याद रखेगा, it's always whom बेटा, it's always the owner who bear the loss, इस बात को याद रखिए सभी लोग, हमेशा it's the owner, ठीक है बेटा याद रहेगा, अरे बोलिए yes or no, ठीक है पीपल बोलो क्या, इट्स ऑलवेज द ओनर हु विल बेयर द लॉस, सो जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक लॉस किसका होगा, सेलर का, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक लॉस किसका होगा गाइस, सेलर का, याद रखिएगा इस बात को, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक लॉस किसका होगा गाइस, सेलर का होगा, और ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद का लॉस किसका होगा, बायर का, ये याद रखिएगा, यस माधवान बेटा, चलिए आ जाइए, अच्छा मेरे को बताओ प्राइस आप कौन से मोड से फिक्स कर सकते हो, अगर आपको गुड्स का प्राइस फिक्स करना है तो कौन से मोड से फिक्स कर सकते हो, बताइए बताइए, बताइए प्राइस फिक्स करना है कॉन्ट्रैक्ट का कैसे हो सकता है, कम ऑन गाइस टेल मी, प्राइस फिक्स करना है कितने तरीके, तो दादा ध्यान देना प्राइस फिक्स करने के 4 तरीके, कौन कौन सा, प्राइस फिक्स करने के 4 तरीके, पहला कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लो, पहले कैसे फिक्स कर लो, कॉन्ट्रैक्ट में है ना, ठीक है, या फिर है ना
टू बी फिक्स इन अग्रीड मैनर, कोई अग्रीड मैनर डिसाइड कर लो, क्या डिसाइड कर लो, कोई अग्रीड मैनर, ठीक है, या तो फिर थर्ड पार्टी फिक्स कर ले, या तो फिर वो हो सकता है कोर्स ऑफ डीलिंग से फिक्स हो जाए, तो मतलब एक हो सकता है फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या तो तब फिक्स कर लें, या तो फिर यू नो टू बी फिक्स इन अ सम वे स्टिपुलेटेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है कि हमने बोला कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम फिक्स करेंगे इन अ मार्केट प्राइस, तो इस तरीके से हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी फिक्स करें, या तो हो सकता है कोर्स ऑफ डीलिंग से फिक्स करें, कैसे फिक्स करें, कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोर्स ऑफ डीलिंग गाइस, कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब क्या, हाँ एग्जैक्टली, अब कोर्स ऑफ मतलब क्या कहता है ये, कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी, क्या कहता है राजा, इसका नाम क्या है, कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी। अब इसमें दो तीन तरीके आ सकते हैं कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी से, जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी का, तो पार्टीज ने बोला कि हम लोग जो है प्राइस फिक्स करेंगे उस तरीके से जिस तरीके से क्या कहते हैं हमारा कस्टम रीति रिवाज चले आ रहे हैं पुराने जमाने से, तो ये एक प्रकार से कोर्स ऑफ डीलिंग है, मतलब कि कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब यहाँ पे इन्होंने ये समझाया कि हम लोग यूसेज के हिसाब से कस्टम के हिसाब से हमारी जो प्रथा चली आ रही है उसके हिसाब से रेट को डिसाइड करेंगे, तो वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है मेरे बच्चा, कहने का मतलब ये है, सो वी विल डिसाइड प्राइस इन अ कोर्स ऑफ डीलिंग, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन, वी आर टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ फिक्सिंग प्राइस, सो देयर आर हाउ मेनी मोड्स, फोर मोड्स, बराबर है, कितने मोड्स हैं टोटल, चार, टोटल में टोटल चार मोड्स हैं, बोलिए कितने में मोड्स हैं टोटल, चार, अरे बोलो यस और नो, ठीक है, सो हम लोगों ने बोला किस तरीके से करेंगे प्राइस को फिक्स, या तो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करते समय कर लेंगे, या तो बोला हम कोई अलग अग्रीड मैनर डिसाइड करेंगे जैसे हमने बोला मार्केट प्राइस, या तो थर्ड पार्टी करेगी, या तो कोर्स ऑफ डीलिंग से करेंगे, कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब नेगोशिएटेड प्राइस होगा, हम लोग जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट्स जितने हैं उसके हिसाब से है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है, जो हमारी डीलिंग्स हो रही है रोज की बाइंग एंड सेलिंग उसमें हम कोई मेथड डिसाइड कर सकते हैं, तो चार प्रकार से प्राइस डिसाइड होंगे, बोलो कितने प्रकार से होंगे प्राइस डिसाइड, चार, बोलो कितने प्रकार से होंगे, चार, फिर से बोलो कितने प्रकार से होंगे, आवाज नहीं, फिर सोलो कितने प्रकार से होंगे गाइस, चार प्रकार से प्राइस डिसाइड होंगे, बोलो यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो कितने प्रकार से होंगे, फिर से बोलिए, चार, कौन सा चार, बोलो हाँ जी जल्दी बोलो कौन से हैं चार, हाँ जी बताइए, पहला फिक्स्ड, हाँ फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते समय डिसाइड किया, दूसरा अग्रीड मैनर, हमने डिसाइड किया कोई भी तरीका जिस जो योर लाइक मार्केट प्राइस या समथिंग, फिर थर्ड पार्टी, फिर कोर्स ऑफ डीलिंग, हमारी कुछ प्रथाएं चली आ रही, रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसके हिसाब से हम हमारे प्राइस डिसाइड करेंगे, पुराने जमाने से वो चला आ रहा है, ठीक है, हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इतने साल से। अच्छा, अगर हमें प्राइस डिसाइड करना था बट हमने प्राइस डिसाइड ही नहीं किया, तो बायर को कौन सा प्राइस देना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस, अगर हमने प्राइस डिसाइड करना था बट हमने प्राइस डिसाइड ही नहीं किया, तो हमें बायर को कौन सा प्राइस देना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस, फिर से लो कौन सा प्राइस देना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस, अगर हमें बायर को प्राइस देना था बट हमने प्राइस नहीं दिया, तो कौन सा देना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस, बोलो कौन सा प्राइस देना पड़ेगा, फिर से बोलिए, रीजनेबल प्राइस, आवाज नहीं, फिर चलो कौन सा प्राइस देना पड़ेगा गाइस, रीजनेबल प्राइस, और ऐसे केस में मार्केट प्राइस को रीजनेबल प्राइस मानते हैं, क्या मानते हैं, मार्केट प्राइस को रीजनेबल प्राइस मानते हैं। अच्छा, अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करने वाली थी बट थर्ड पार्टी मर गई, प्राइस डिसाइड नहीं की, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, बोलो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करने वाली थी बट थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड किए बिना ही मर गई, तो कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा क्या हो जाएगा, वॉइड। बोलिए यहां तक एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, यहां तक की बातें समझ आई क्या मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए, कम ऑन एवरीवन, टेल मी बड़ी, यहां तक की बात क्लियर है सभी को, हाँ या ना एवरीवन, चलिए वंडरफुल, आज फिर कंडीशंस कर लेते हैं पूरी, क्या कर लेते हैं पूरी, इंप्लाइड कंडीशन जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आज पूरी इंप्लाइड कंडीशंस करने की कोशिश करते हैं, आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है राजा, कंडीशन, आ जाइए, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, यार ये कीबोर्ड क्यों नहीं चल रहा, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस ध्यान दीजिएगा, कंडीशन, बोलिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, कंडीशन, सर अगर कोई सेलर कार सेल करे किसी बायर को पर वो कार में कुछ इश्यू है एंड सेलर उसे टेम्पररी पीरियड के लिए ठीक
करके बायर को सेल कर दे और बायर के पास जाते ही कार खराब हो जाती है तो वॉइड होगा, वो फिर फ्रॉड में आ सकता है, फ्रॉड में आ सकता है वो, है ना। तो वैसे ट्रांजेक्शन फ्रॉड में जरूर आ सकता है, आपका इंटेंशन गलत है तो वो फ्रॉड में आ सकता है। एनीवे चलिए अब आते हैं कंडीशन पे। बोलो किस पे आते हैं? कंडीशन। ध्यान देना राजा, कंडीशन का मतलब क्या दादा? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। ठीक है, कंडीशन क्या है फिर से बोलिए? स्टिपुलेशन है, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। साफ साफ कहता है, क्या कहता है? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिपुलेशन? एक शर्त। कंडीशन स्टिपुलेशन को क्या बोल सकते हैं? शर्त, असेंशियल रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड। कंडीशन एक ऐसी शर्त है विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी है। जो किसके लिए जरूरी है? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी है। फिर चलो, कंडीशन क्या है? स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी है। फिर चलो, कंडीशन क्या है? स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी है। फिर चलो, कंडीशन क्या है? स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी है। फिर चलो, कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये? कंडीशन क्या है फिर से बोलिए? स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी है। एक आवाज नहीं है, फिर चलो, क्या है? कंडीशन क्या है? स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी है। फिर चलो, कंडीशन क्या है? स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी है। फिर चलो, कंडीशन क्या है? स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी है। आवाज नहीं, कंडीशन क्या है फिर से बोलो? स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी है। कंडीशन क्या है? स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जरूरी है। मतलब अगर ये नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझते हैं सीधा, दो प्रकार की होती है। एक पार्टीज डिसाइड करती है जो शर्तें, एक मिनट, जो पार्टीज ने डिसाइड की शर्तें वो हो गई एक्सप्रेस कंडीशन। क्या हो गई वो? एक्सप्रेस कंडीशन। जो लॉ ने ही डिसाइड करके दिया ये होना ही चाहिए हर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शर्त, वो है इंप्लाइड कंडीशन। ऐसी शर्तें जो पार्टी ने डिसाइड की, स्टिपुलेशन मतलब शर्तें, ऐसी शर्तें जो पार्टीज ने डिसाइड की वो है एक्सप्रेस, और जो लॉ ने ही डिसाइड करके दिया है वो है इंप्लाइड। तो हमें सीधा शुरू क्या करना है? इंप्लाइड कंडीशन। बाकी वारंटी कंडीशन ये सबका डिफरेंस देखते बैठेंगे, सीधा आते हैं इंप्लाइड कंडीशन पे। बोलो किस पे आते हैं राजा? इंप्लाइड कंडीशन। सबसे पहले इंप्लाइड कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल। हेलो, एक मिनट। हाँ जी, हाँ, चल लेक्चर है, बोलो, बोलना। हाँ, आ गया, कांग्रेट्स करता हूं। चलिए आ जाइए। अरे यार, चार्जरिंग चली गई, चार्जर ला देगा नीचे से फटाक से। हाँ चलिए, जब तक आईपैड नहीं है तब तक आप सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली है कौन सी? बोलो, सबसे पहली कौन सी है? हाँ बेटा, सबसे पहली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंप्लाइड कंडीशन। सबसे पहली है कंडीशन एस टू टाइटल। बोलो, सबसे पहली कौन सी है राजा? कंडीशन एस टू टाइटल। आवाज नहीं, सबसे पहली कौन सी है? कंडीशन एस टू टाइटल। क्या मतलब होता है इसका मोदी सर? मैं बताता हूं, कंडीशन एस टू टाइटल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ओए ध्यान दो। मैंने आपको ताजमहल बेचने का वादा किया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? मैंने आपको ताजमहल बेचने का वादा किया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? मैंने आपको अब्बर सर का फोन बेचने का वादा किया, वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट? पहली कंडीशन एज टू टाइटल तो ये कहती है कि वही व्यक्ति गुड्स बेच सकता है जो उसका ओनर है। बोलो, कौन बेच सकता है? वही व्यक्ति उसका गुड्स बेच सकता है जो उसका ओनर है। आवाज नहीं, कौन बेच सकता है? वही व्यक्ति गुड्स बेच सकता है जो उसका, फिर से बोलो, कौन बेच सकता है? वही व्यक्ति गुड्स बेच सकता है जो उसका कौन है? ओनर है। फिर से बोलिए, कौन व्यक्ति गुड्स बेच सकता है? गुड्स कौन व्यक्ति बेच सकता है जो उसका, याद रखना इस बात को कि वही व्यक्ति गुड्स को बेच सकता है जो उसका, आवाज नहीं, जो उसका ओनर है। एब्सोल्युटली करेक्ट, वही व्यक्ति गुड्स को बेच सकता है जो उसका कौन है? ओनर है। कोई और व्यक्ति बेच नहीं सकता। इसके कुछ चीजें हैं, वो आपको समझाता हूं, ठीक है, मजा आएगा आपको, ध्यान देना। एक केस था रोलैंड वर्सेस दीवाल का, उसमें क्या हुआ, एक कार डीलर था, उसने कार परचेस किया डिफेंडेंट से,
ठीक है, उसने कार को पेंट किया और डिस्प्ले कर दिया और किसी को बेच दिया, ठीक है। पुलिस ने 2 महीने बाद वो कार ये बोल के ले ली कि चोरी की है, ठीक है, और ओरिजिनल ओनर को दे दी, ओरिजिनल ओनर को दे दी। जो जिसने केस किया था, ठीक है, जिसने केस किया था, किसी को नहीं पता था कि कार चोरी की है, उनको नहीं पता था ये बात, उनको ये बात नहीं पता था कि कार चोरी की है। फिर ठीक है ना, बाद में कंप्लेनेंट ने कार रिटर्न कर दिया कस्टमर को और केस फाइल कर दिया अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डिफेंडेंट पे। डिफेंडेंट डिड नॉट नो राइट टू सेल गुड्स एज ही ऑब्टेन कार इन अ गुड फेथ फ्रॉम थीफ, है ना, उसने चोरी की कार गुड फेथ में खरीदा, उसको नहीं पता था। ओनरशिप रिमेंड विद ओरिजिनल ओनर, डिफेंडेंट वॉज यूजिंग कार फॉर 2 मंथ एंड वॉज नॉट ऑफ लाइक टू पे इट एंड प्लेंटिव वॉज एंटाइटल टू कॉम्पनसेशन फॉर हिज वर्क एंड मनी इन ऑन द कार। इट वॉज हेल्ड डिफेंडेंट हैज ब्रोकन द कंडीशन एज टू टाइटल एंड कंप्लेनेंट वॉज देयर फॉर एंटाइटल टू रिकवर परचेस मनी फ्रॉम डिफेंडेंट। इसको लिखा देता हूँ, थोड़ा सा मॉड्यूल में केस लॉ है, टेक्निकल लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है केस लॉ, लिख लो, लिखते लिखते समझ आ जाएगा, फिर मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए, कम ऑन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन गाइस, कम ऑन। शॉर्ट में आपको ये केस लिखा देता हूं, लिखिए, बढ़िया केस था। लिखिए, चलो एक बेसिक इसमें इसका केस में क्या हुआ, मैंने कार चुराया और आपको बेचा, तो आपको वैलिड ओनरशिप मिलेगी कितना बताओ? मैंने कार चुराया आपको बेचा, आपको वैलिड ओनरशिप मिलेगी क्या? मैंने क्या ब्रीच किया हूं? कंडीशन एज टू टाइटल, बोलो क्या ब्रीच किया हूं मैंने? कंडीशन एज टू टाइटल। क्या आप मेरे पे केस कर पाओगे? यस। अब हुआ क्या था इस केस में, मैंने जैसे किसी कार चुराया आपको बेचा, आपने किसी और को बेचा, ऐसा हो गया, पुलिस वो कार लेके गई और उसको दे दी जिससे मैंने कार चुराया था। अब आप तो मेरे पे केस करोगे ना, और मेरे से क्या लोगे? पैसा, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करोगे, वही डिसाइड हुआ। लिखेगा इन रोलैंड वर्सेस दिवाल, हाँ, अरे है क्या नोट्स में अपने? अरे लेकिन आईपैड मेरा स्विच ऑफ हो गया। चलो शॉर्ट में लिख लो, इजी लैंग्वेज में लिख लो, इन रोलैंड वर्सेस दिवाल, DIVALL, नोट्स में है अपने बट शॉर्ट में लिख लो, इन रोलैंड वर्सेस दिवाल, DIVALL, ये केस आ सकता है क्योंकि, लिखेगा डिफेंडेंट सोल्ड स्टोलन कार टू कंप्लेनेंट, डिफेंडेंट सोल्ड स्टोलन कार टू कंप्लेनेंट, डिफेंडेंट सोल्ड स्टोलन कार टू कंप्लेनेंट, डिफेंडेंट सोल्ड स्टोलन कार टू कंप्लेनेंट। क्या लिखा? डिफेंडेंट सोल्ड स्टोलन कार टू कंप्लेनेंट। चलिए आइए, डिफेंडेंट क्या लिखा? सोल्ड स्टोलन कार टू कंप्लेनेंट, हु देन सोल्ड इट अननोइंगली टू अ कस्टमर। डिफेंडेंट सोल्ड अ स्टोलन कार टू कंप्लेनेंट, हु देन सोल्ड इट अननोइंगली टू अ कस्टमर। डिफेंडेंट जिस पे केस हुआ था, सोल्ड स्टोलन कार टू कंप्लेनेंट, मतलब जिसने कंप्लेन किया था, हु देन सोल्ड इट टू, हु देन सोल्ड इट अननोइंगली टू अ कस्टमर। ठीक है, डिफेंडेंट सोल्ड अ स्टोलन कार टू कंप्लेनेंट, हु देन सोल्ड इट अननोइंगली टू अ कस्टमर, फुल स्टॉप। व्हेन पुलिस डिस्कवर्ड द थेफ्ट, 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 they returned the car to its original owner, they returned the car to its original owner, they returned the car to its original owner, comma, complainant sued defendant
under Sales of Goods Act. Complainant sued defendant defendant क्या लिखा राजा sued sorry complainant sued defendant complainant sued defendant होगा ना complainant sued defendant under Sales of Goods Act होगा full stop. Court ruled that defendant breached the implied condition as to title and complainant was entitled to recover purchase money from defendant. Complainant was entitled to recover purchase money from defendant. चलो एक मस्त क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर दे रहा हूं. मैंने आशीष सर का एक फोन चुराया, आपको बेच दिया, क्या आपको वैलिड ओनरशिप मिलेगी? मैंने आशीष सर का फोन चुराया, आपको बेच दिया, सिर्फ इतना बताओ, क्या आपको वैलिड ओनरशिप मिलेगी? हाँ या ना इतना बोलो. मैंने आशीष सर का फोन चुराया, आपको बेच दिया, क्या आपको वैलिड ओनरशिप मिलेगी? सिर्फ इतना बताइए, बोलिए. मैंने आशीष सर का फोन चुराया, आपको बेच दिया, क्या आपको वैलिड ओनरशिप मिलेगी? सिर्फ हाँ या ना में बोलो, हाँ या ना में बस बोलो. मैंने फोन चुराया आशीष सर का, आपको बेच दिया, क्या आपको वैलिड ओनरशिप मिलेगी? नहीं मिलेगी. आपको आशीष सर को फोन देना पड़ेगा, यस. लेकिन आप मेरे पे केस कर सकते हो फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल. क्या की केस कर सकते हो? ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू टाइटल. अगर किसी का टाइटल ब्रीच होता है, मतलब कंडीशन ब्रीच होती है, तो उसके पास दो चॉइस है, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. बोलो कौन से दो राइट्स हैं? कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. फिर से बोलो कौन से दो राइट हैं? जल्दी बोलो. कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. फिर से बोलो कौन से दो राइट हैं? कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. फिर से बोलो कौन से दो राइट है गाइस? कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. वंस मोर, कौन से दो राइट है? फिर से बोलो. कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. वंस मोर, कौन से दो राइट है? एक बार फिर से बोलो. कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. इज दैट क्लियर विद एवरीवन? बोलो हाँ या ना. अरे बोलो यस और नो. ठीक है, वेरी गुड. चलो एक मस्त क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर देना. ठीक है, मैंने आपसे कार खरीदा, 6 महीने तक कार यूज किया, लेकिन बाद में 6 महीने बाद आप कार मेरे से कोई लेके चला गया, ये बोल के कि मेरी कार है, इन्होंने चुराया था मेरे से कार. मैंने आपसे कार खरीदा, 6 महीना यूज भी किया, 6 महीने बाद कोई आया लेके चला गया कार को, बोला है मेरी कार है, जिससे आपने कार खरीदा है आप लोगों से, आपने चुराए थे, तो क्या मैं आप पे केस कर सकता हूं? यस. डैमेजेस ले सकता हूं? यस. तो मेरे पास दो राइट है. मेरा कौन सा राइट ब्रीच हुआ है? कंडीशन एस टू टाइटल. मतलब वही व्यक्ति सामान बेचे जो ओनर है. अगर आप ओनर नहीं हो और आपने सामान बेच दिया, तो आप पे केस हो सकता है दो चीजों के लिए, कैंसिल होने के लिए और डैमेजेस के लिए. सो कंडीशन एज टू टाइटल कहती है, ऐसी शर्त है जो लॉ ने डाली है. इट्स अ स्टिपुलेशन. जो किसने डाला है? लॉ ने डाला है. सो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये ऐसी शर्त है जो लॉ ने डाली है, इंप्लाइड कंडीशन बोलते हैं इसको. इसका नाम है पहला कंडीशन एज टू टाइटल. वही व्यक्ति सामान बेच सकता है जो ओनर है. अगर आप ओनर नहीं है तो आप नहीं बेच सकते सामान. अगर आप ओनर नहीं है तो आप सामान नहीं बेच सकते. और अगर आपने बेच दिया तो आप पे केस होगा, और दो चीजों का केस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने का और डैमेजेस का. वंडरफुल माय स्वीट क्यूरी पाई, बहुत बढ़िया. सेकंड आता है इसके बाद में, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन. सेकंड कौन सा है बोलिए? कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन. आवाज नहीं, बोलो सेकंड कौन सा है? कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन. पहला समझ गए कंडीशन एज टू टाइटल. बेटा आईपैड स्विच ऑफ हो गया, चार्जर बैटरी है नहीं. चार्जर है क्या तेरे पास आईफोन का? नहीं है तो चार्जर है नहीं अभी. आज एक्चुअली गुड़ी पड़वा है, ऑफिस बंद है, ऑफिस चार्जर में होगा, मतलब है चार्जर ऑफिस में होगा. ठीक है, सो
थोड़ा सा सुन लो. नेक्स्ट है कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन. समझ में आ जाएगा, पर बहुत इजी है. कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, ध्यान देना. ठीक है, भाई को चड्डी खरीदना था, भाई को चड्डी खरीदना था. मैंने कहा भैया ऐसी चड्डी है, उसको पहनो हवादार, इसमें एक फैन है, आपको बटन शुरू करना है, हवा आएगी उससे अंदर से, है ना. भाई को मैंने बोला, भाई ने ये देखा कि साहब चलो ठीक है, मोदी साहब झूठ नहीं बोलेंगे, चड्डी लेके चला गया. भाई ने फैन का बटन दबाया, भाई को करंट आ गया. भाई ने फैन का बटन दबाया, फैन वैन तो कुछ चला नहीं, भाई को क्या आ गया, करंट आ गया. मतलब मैंने जो बोला वो हुआ क्या, नहीं. तो मेरी ब्रीच हुई है कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन. मैंने कहा ये ऐसी कार है जो 20 का माइलेज देती है, 20 का नहीं दे रही, तो मैंने ब्रीच किया हूं कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन. मैंने कहा ये ऐसा फोन है जो एक बार चार्ज करो दो दिन चलता है, नहीं चल रहा, तो मैंने ब्रीच किया है कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन. कोई क्रीम बेच रहा है ये बोल के कि इसको लगाओ दो दिन में गोरे हो जाओगे, नहीं हुए. क्या ब्रीच हुई है, कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन. किसने बोला ये पियो हाइट बढ़ जाएगी, क्या नहीं बढ़ी, तो क्या है, कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन. बात समझ रहा. किसने बोला कि ये पेट में लगाओ मोटापा कम हो जाएगा, बढ़ गया, और क्या ब्रीच हुई है, कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन. किसने बोला बाल टकले पे लगाओ बाल आ जाएंगे, जितने थे वो भी चले गए, क्या ब्रीच हुई है, कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन. बात समझ रहे. किसी ने लड़कियों को, एक ये बेचारी हमारी, इसको लड़की ने बोली मेरे को मेरे लिप्स अच्छे करने, भैया को बोली भैया मेरे को एक लिप बाम दो अच्छा सा, भैया ने लिप बाम दिए, इसके ऐसे लिप्स हो गए बोलाट से भी भारी. ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्या है, क्या ब्रीच हुई है, कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन. कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन कहती है जैसा सेलर ने बोला था गुड्स में वैसा ही होना चाहिए, अगर वैसा नहीं है तो आपके पास अगेन दो राइट है. ये ऐसी शर्त है जो लॉ कहता है, जो सेलर ने बोला वो गुड्स में होना चाहिए, जो सेलर ने बोला वो गुड्स में होना चाहिए, नहीं है तो आपके राइट ब्रीच हुए हैं. आपके पास दो राइट है, कौन से, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस. बोलो कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस. आपने बोला है कार नहीं है तो नहीं ही होनी चाहिए, अगर पुरानी हुई तो दो राइट है, कौन कौन से, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस. मतलब अगर आप बोलते हो कार नहीं है न्यू है तो वो न्यू ही होनी चाहिए, अगर वो पुरानी निकली तो कितने राइट है, बोलो दो, कौन कौन से, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस. फिर से कौन से दो राइट है, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस. अरे बोलो यस और नो, हाँ पक्का क्लियर है, पक्का क्लियर है. चलो मस्त ध्यान से सुना. एक बंदा है, उसने एडवर्टीजमेंट लगाई थी कार में ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा. मैंने कार खरीदना, वो कार खरीदने के लिए पैसे दे दिए, कार को चेक भी किया और कार लेके चला गया. बाद में वो कार वैसी नहीं निकली जैसी एडवर्टीजमेंट में थी, तो भी मैं केस कर सकता हूँ, यस तो भी मैं केस कर सकता हूँ. भले मैंने इंस्पेक्ट किया था तो भी मैं केस कर सकता हूँ. ईल वर्सेस टेलर का एक केस था, इसमें क्या हुआ ईल वर्सेस टेलर में, कि एक व्यक्ति ने कार देखा एडवर्टीजमेंट में, उसको कार पसंद आ गई, उसने कार खरीद लिया, कार को चेक भी किया था लेने के समय, लेकिन एडवर्टीजमेंट में जो फीचर्स थे वो वाले उस कार में नहीं निकले, तो भी केस का हो सकता है, यस. क्या ब्रीच हुई है, कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन. बोलो क्या 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 हुई है, कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन. अरे बोलो यस और नो, हाँ अरे बोलो हाँ या ना, पक्का क्लियर है ना, बोलो यस और नो गाइस, है ना. याद रहेगा बेटा. चलिए अगर मान लो मैंने मंगाया था कुछ और गुड, सेलर ने कोई और भेज दिए, तो क्या मेरे पास रिजेक्ट करने का राइट है, मेरे पास रिजेक्ट करने का राइट है, यस. अगर मैंने कुछ और मंगाया था ए, आपने भेज दिया बी, तो मेरे पास क्या राइट है उसको रिजेक्ट करने का. अरे बोलो मेरे पास क्या राइट है, फिर से बोलो, रिजेक्ट करने का राइट है. बोलो हाँ या ना, मेरे पास क्या करने का राइट है, फिर से बोलो, रिजेक्ट करने का राइट है. अरे बोलो यस और नो, है ना. याद रहेगा बेटा, पक्का याद रहेगा, बोलिए यस और नो, है ना. याद रखना इस बात को, वेरी गुड. ठीक है, और अगर मैंने अनजाने में रख लिया उसको, तो फिर क्या ले सकता हूं, डैमेजेस. अनजाने में रख लिया तो क्या ले सकता हूं, डैमेजेस. अरे बोलो यस और नो, ठीक है, ठीक है ना बेटा, याद रहेगा ना. चलो
अच्छा मैंने, आपने बोला था ए क्वालिटी के गुड्स होंगे लेकिन वो निकले बी के, तो भी मैं आपसे डैमेजेस ले सकता हूँ? यस, क्योंकि क्या ब्रीच हुई है? कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन. बोलो क्या ब्रीच हुई है? कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन. अच्छा आपने मेरे को बोला था बढ़िया केस ब्रैडली वर्सेस मार्शल का, सबसे बढ़िया केस था ये. आपने बोला ये कार ऐसी है जो टूरिंग पर्पज के लिए अप्रोप्रिएट है. किस पर्पज के लिए? टूरिंग पर्पज के लिए अप्रोप्रिएट है. बाद में वो टूरिंग पर्पज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं निकली, तो क्या मैं आप पे केस करके डैमेजेस ले सकता हूँ? यस, मैं आप पे केस करके डैमेजेस ले सकता हूं. अरे बोलो यस और नो, मैं क्या कर सकता हूं? बोलो, केस करके डैमेजेस ले सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट भी को भी कैंसिल करवा सकता हूं. कहने का तात्पर्य यह है, सेलर ने जैसा बोला था कि ये गुड्स में ऐसा रहेगा तो वो वैसा निकलना चाहिए. अगर वैसा नहीं निकला तो बायर के पास कितने राइट है? दो. बोलो कौन कौन से? कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. फिर से बोलो कौन से दो राइट है? कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. फिर से बोलो कौन से दो राइट है? कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. फिर से लो कौन से दो राइट है? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. फिर से लो कौन से दो राइट है गाइस? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. याद रहेगा बच्चों? चलो ठीक है, चलो याद रहेगा. कंडीशन एस टू क्या था? ये डिस्क्रिप्शन कि भाई मैंने जो बोला वो फिर गुड्स में होना चाहिए. वैसा नहीं है तो मेरे पास दो राइट है. बोलो कौन कौन से? कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. चलो आज एक दो पढ़ लेते हैं, बाकी बातें कब करेंगे फिर? कल. आज एक दो पढ़ लेते हैं, बाकी बातें कल करेंगे फिर. ठीक है, चलो वेरी गुड. नेक्स्ट है कंडीशन एस टू मर्केंटेबल क्वालिटी. गुड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. गुड्स कैसे होने चाहिए? अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. आपने शर्ट खरीदे, फटी हुई थी, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. आपने फोन खरीदा, खराब था, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. कार खरीदे, खराब थी, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. मतलब अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. अरे बोलो यस और नो. मेरी मैं नहीं, इसकी बीवी. किसकी बीवी? किसकी बीवी? किसकी बीवी? ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे, उसकी बीवी. हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट है माधव, माधव की बीवी. ठीक है, माधव की बीवी ने माधव को बोली एक ऐसी बॉटल ला दो जिसमें गर्म डालू तो गर्म रहे, ठंडा डालू तो ठंडा रहे पानी. माधव ने बॉटल लेके आया, माधव ने बॉटल लेके आया, बोला बीवी जितना गर्म डालना है डाल दो, बॉटल फूटेगी नहीं, दुकानदार ने वादा किया है. बीवी ने एकदम तड़पता हुआ गर्म पानी डाल दी बॉटल में, बॉटल को बंद कर दी और बॉटल को हाथ में रखी थी और बॉटल फूट गई, बीवी जल गई, जल के मर गई. तो माधव की बीवी मर गई, माधव की बीवी मर गई. तो क्या माधव केस करके डैमेजेस ले सकता है? यस. क्या ब्रीच हुआ है? क्या ब्रीच हुआ है? मर्केंटेबल क्वालिटी की कंडीशन. कौन सी कंडीशन? मर्केंटेबल क्वालिटी. फिर चलो कौन सी कंडीशन राजा? मर्केंटेबल क्वालिटी. क्यों, क्यों ब्रीच हुआ ये? क्योंकि दुकानदार ने बोला था, अच्छा दुकानदार ने बोला था सही रहेगा, नहीं निकली तो डिस्क्रिप्शन ब्रीच हुआ है. लेकिन ऐसे भी गुड्स हमेशा अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. बोलो गुड्स काहे के होने चाहिए? अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. अरे बोलो गुड्स काहे के होने चाहिए? फिर से बोलो, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. अगर देखो पहली चीज, दुकानदार ने बोला कि ऐसा होगा तो वैसा होना ही चाहिए, उसमें तो कोई बात ही नहीं आती. अरे बोलो यस और नो. दुकानदार ने बोला ऐसा होना चाहिए, फिर तो वैसा होना ही चाहिए. अगर दुकानदार ने कुछ नहीं बोला था फिर भी वो गुड्स कैसे होने चाहिए? अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. अगर वो बहुत ही बकवास है, वाहियात है, सही नहीं है, तो भी आप क्या काय का केस कर सकते हो? डैमेजेस का केस कर सकते हो. बोलो क्या ले सकते हो सामने वाले से? डैमेजेस. बोलो क्या क्या ले सकते हो सामने वाले से? डैमेजेस. अरे बोलो यस और नो. ठीक है, याद रखना, याद रखना. अरे बोलो यस और नो. अच्छा एक बंदे ने कुछ तो स्टोन जिंजर वाइन खरीदा, वो अच्छे से उसका कॉक स्क्रू जो है मतलब कॉक से जो है ड्रॉ कर रहा था, मतलब ड्रॉ कर रहा था इसका कॉक स्क्रू से. ठीक है, ध्यान से कर रहा था, फिर भी बॉटल फूट गई और उसको लग गया, तो भी क्या माना गया कि ये मर्केंटेबल क्वालिटी की नहीं है बॉटल. क्या मिलेंगे? डैमेजेस. बोलो क्या मिलेंगे? डैमेजेस. अरे बोलो क्या मिलेंगे? डैमेजेस. क्या मिलेंगे? फिर से बोलो, डैमेजेस. समझ में आ रही बात? आपने कोई सामान खरीदा वो सही नहीं है, कंडीशन क्या उनसी ब्रीच हुई है? मर्केंटेबल क्वालिटी. क्या ब्रीच हुई है? बोलो, मर्केंट. तुमने टीवी खरीद के लाया, चलते चलते बंद हो जाती है, क्या ब्रीच हुई है? मर्केंटेबल क्वालिटी ब्रीच हुई है. अरे बोलो यस और नो, है ना? ठीक है. अच्छा मान लो मैंने गुड्स चेक करके लाया था तो
फिर ये कंडीशन होगी क्या? नहीं, अगर मैंने गुड्स चेक करके लाया था तो ये कंडीशन नहीं होगी, अगर वो डिफेक्ट्स रीजनेबल एग्जामिनेशन से चेक हो सकते थे। लेकिन ऐसे डिफेक्ट्स थे जो रीजनेबल एग्जामिनेशन से चेक नहीं हो सकते थे तो फिर ये कंडीशन रहेगी। जैसे टमाटर खरीदने गए, तुम्हें पता था टमाटर खराब है फिर भी लेके आए, तो ये कंडीशन लागू नहीं होगी। लेकिन कार है, कार का डिफेक्ट तुम कैसे चेक करोगे अंदर से? तुम तो इतने एक्सपर्ट नहीं हो, तो कार का डिफेक्ट कैसे चेक करोगे? तो वहां पे ये कंडीशन रहेगी, वहां पे ये कंडीशन रहेगी। अरे बोलो हाँ या ना। चलो क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर देना राजा। मैंने दादा, ओ दादा, मैंने एक टीवी खरीदा, टीवी को देख के लेके आया, फिर भी वो नहीं चल रही। देख के लेके आया था, उस समय चल रही थी, फिर भी बाद में घर आके बंद हो गई। तो मेरे पास, मेरी कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी ब्रीच हुई है कि नहीं, मर्केंटेबल क्वालिटी ब्रीच हुई है कि नहीं? हुई है, क्योंकि टीवी का डिफेक्ट ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से समझ नहीं आ सकता। लेकिन मैं सब्जी लेके आया, मुझे पता था खराब है फिर भी लेके आ गया चेक करके खुद ही। अब वहां पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास कोई कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी नहीं है। क्यों नहीं है मेरे पास कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी? क्यों नहीं है मेरे पास कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी बताइए? अरे बताओ यार क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जी में मैंने ही चेक करके लेके आया है, वहां पे मुझे कोई मर्केंटेबल क्वालिटी मिलेगी क्या राजा? नहीं, वहां पे मुझे कोई मर्केंटेबल क्वालिटी मिलने वाली नहीं है, इस बात को याद रखना है आपको। मैंने तीन आज कंडीशन बताई, पहली कौन सी बताई? कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरा कौन सा बताया? कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। तीसरा कंडीशन एज टू, फिर से बोलो, दूसरा उसके बाद कौन सा बताया? कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, याद रहेगा? अरे बोलो यस और नो। ठीक है, याद रहेगा बेटा? चलो ग्रेट। तो इतनी बातें आपको क्या रखनी है, अच्छे से याद रखनी है, कल पढ़ेंगे। अच्छा एक और पढ़ लेते हैं, बाकी बात कल पढ़ेंगे। एक है होलसमनेस, खाने पीने की चीजें शुद्धता से होनी चाहिए। जो भी खाने पीने की चीजें वो कैसी होनी चाहिए? आपने कोई वड़ा पाव खरीदा, उसके अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, तो क्या है? कंडीशन एज टू होलसमनेस ब्रीच हुई है। मान लो आप मैकडी गए, मैकडी से बर्गर खा रहे हो, बर्गर के अंदर से निकलती छिपकली, क्या है ये? कंडीशन एज टू होलसमनेस ब्रीच हुई है। बात समझ रहे हैं आप? थम्सअप पी रहे हो, थम्सअप के अंदर से कीड़ा निकल गया, मुंह में आ गया, ये क्या है? कंडीशन एज टू होलसमनेस ब्रीच हुई है। बात समझ आ रही है? आप रेस्टोरेंट गए खाना खाने, दाल मंगाई, दाल के अंदर से मेंढक उछक के आता है, तो ये क्या ब्रीच हुई है? कंडीशन एज टू होलसमनेस। तो दैट्स इट, इतना ही है, बाकी बातें कल देखेंगे। एक और दो तीन कंडीशन है कल देखेंगे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे, कल वारंटी करेंगे, कैविट एंटर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो जाए कल इसको खत्म करें। ठीक है, सो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, मिस यू, बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कमेंट देख रहे हैं मुस्कान, यस, चलिए, इट इज फॉर ईटेबल्स, यस। बाकी बातें कब करेंगे गाइस? कल। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, थैंक यू, यस उज्ज्वल, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन ब्रीच हुई तो एनीवे कितने राइट मिलते हैं? कैंसिल द कॉन्टैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। चलो मिलते हैं, एंड कमेंट जरूर करना लेक्चर में, एंड लव यू पीपल, बाय पीपल, टाटा पेपर, बाकी बातें कल करेंगे। सो थैंक यू, खुश रहो, बात रहो, दिली रहो, गाजियाबाद रहो, थैंक यू सो मच, बाय, लव यू गाइस, बाय बाय।